हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकर्ण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 7। तो आशा है कि आप पिछले लेक्चर पढ़ के आए होंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले लेक्चर रिवाइज करके ही आइएगा, रस्ता से आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग ना पहले पिछले लेक्चर रिवाइज करके आइएगा, वरना एनसीईआरटी समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेक्चर आते मत लिखिए, रिविजन करते रहिए, मेरे साथ चलोगे तो आपको पूरी एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से पड़ जाएगी, कोई क्वेश्चन आपके यहाँ से नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, निरोधी विभव, जिसको इंग्लिश में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, और प्रकाश विद्युत धारा जो है उस पर विभव का प्रभाव भी पढ़ेंगे। उसको हम पढ़ ही पढ़ चुके हैं, बस और अच्छे से पढ़ेंगे और उसका चित्र भी समझेंगे, और आज हम इसको कम्प्लीट कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो समय हमारे पास कम है और कंटेंट ज्यादा है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। ये मुझे लगता नहीं है कि तुमको समझाने की जरूरत होगी दोबारा से। मैं सच बताऊं तो उसको मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, अगर आपको इसको दोबारा समझना तो आप पिछली वीडियो में जाके समझ सकते हैं। सब कुछ नहीं है अपना, जो है ये श्रोता है, श्रोत अस्त होता है, इससे जो है प्रकाश जो आता है क्वार्ट्ज से इस पट्टिका पर पड़ता है, ये पट्टिका जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है, जो इलेक्ट्रॉन है इस पट्टिका पर जाते हैं, और जो है कम्प्लीट सर्किट बन जाता है, जिससे जो विद्युत धारा का जो है इसमें जो है विद्युत धारा बन जाती है, और जो है यहाँ से अपन दिक परिवर्तक की मदद से उसको परिवर्तन 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 करते हैं विद्युत धारा में। तो ये है अपना बेसिक चित्र जो मैं आपको दिखाने जाता हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे जो है विद्युत धारा जो है उससे फर्क पड़ता है जब अपन विभव को जो है बढ़ाते या मतलब विभव पर क्या फर्क पड़ता है जब विद्युत धारा को बढ़ाते या घटाते हैं। तो विद्युत धारा को सबसे पहले तो सवाल होता है कि बढ़ा या घटा सकते कैसे हैं। विद्युत धारा को जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ज्यादा ऊर्जा अगर ऊपर से आएगी, तो ज्यादा ऊर्जा आने पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है तेजी से जो है वो निकलेंगे पट्टिका से, तब वो तेजी से निकलेंगे तो तेजी से पहुंचेंगे। तो अगर 1 सेकंड में देखा जाए कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इस पट्टिका से इस पट्टिका में आ गए, तो वो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो जितने ऊर्जा से नीचे प्रकाश आएगा उतने ही ऊर्जा से जो है इलेक्ट्रॉन उस पट्टिका से बाहर आएंगे और इस वाली पट्टिका पर पहुंचेंगे, और जितने जल्दी आएंगे, और जो है धारा होती क्या है, विद्युत धारा ही होती है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से जो है मुंह चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से चलेगा विद्युत धारा उतनी ज्यादा होगी। तो जितनी तेजी से जितनी ऊर्जा के साथ प्रकाश आएगा उतनी ज्यादा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन इस पट्टिका से उस पट्टिका पर जाएंगे, उतनी विद्युत धारा होगी। तो अपन जो है जो वो ऊर्जा आ रही है उसकी ऊर्जा को घटाया बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के अपन जो है विद्युत धारा को वो बढ़ाया घटा सकते हैं। अगर अपन प्रकाश के जो है ऊर्जा को घटाया बढ़ा दें, या फिर तीव्रता को घटाया बढ़ा दें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को घटाने या बढ़ाने से जो अपन विद्युत धारा को घटाया बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ये जो है चित्र जो है इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले अपन केवल I1 जो करंट है इसको देखेंगे, केवल 2 मिनट में अपना पेन यूज कर लेता हूँ। ओके, सो अगर इस वाली पहले अपन राइट साइड वाले ग्राफ को देखेंगे, मतलब इस वाले केवल इस वाले राइट साइड वाले को। तो मान लीजिए मैं यहाँ से एक ये निकालता हूँ, 2 मिनट। ओके, इधर से साफ दो क्या हो गया, हाँ, तो इधर से साफ साफ दिख रहा है कि कैसे जो है कि अपन ने अगर जो है केवल I1 करंट को देखा जाए तो पट्टिका संग्राही पट्टिका का विभव जो है वो धारा को जो है कैसे थोड़ा सा बढ़ाने पर जो है कैसे विभव में जो है बदलाव आ गया और कैसे वो बढ़ गया। खुद देख सकते हैं कि संग्रह पट्टिका का विभव जो है विद्युत धारा पर कैसे निर्भर कर रहा है, कि अगर विद्युत धारा कुल मिला के अगर विद्युत धारा बढ़ाते हो, अगर आप ज्यादा ऊर्जा लाते, मतलब ज्यादा ऊर्जा वाली प्रकाश जो है पड़ती है, अगर ज्यादा ऊर्जा वाली प्रकाश पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता बढ़ जाएगी। कौन सी तीव्रता, जो इस पट्टिका से उस पट्टिका के बीच में जाएंगे उनकी तीव्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऊर्जा होगी, और मिनिमम ऊर्जा जो है वो होनी चाहिए कितनी, कार्य फलन, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो कार्य फलन के अलावा आपको इतनी ऊर्जा चाहिए है इस पट्टिका से इस पट्टिका में की तरफ आने के लिए, और तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है अगर आप ज्यादा ऊर्जा वाली प्रकाश लाते हो। तो जब विद्युत धारा बढ़ जाती है तो विद्युत धारा के साथ संग्राही पट्टिका का विभव भी जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि पिछले लेक्चर्स में कि विद्युत धारा जो है वो जो बढ़ती है, जो विद्युत धारा जो है प्रकाश की ऊर्जा के साथ कैसे लीनियरली बढ़ती है, लेकिन अभी हमको देखना है कि जो हम देख रहे हैं इसमें जो है विद्युत धारा जो है उस पट्टिका के विभव में, दोनों पट्टिका के बीच में विभव है विभवांतर,
उस पर जो है वो लीनियरली वेरीफाई कर रही है बिल्कुल, कि बढ़त हो रही है बिल्कुल ऐसे सीधा, लेकिन ये तो आगे जाके लाइन लाइन जो है वो सीधी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मैं आपको कल भी बता चुका हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि एक, मान लीजिए एक सेकंड में एक 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पट्टिका से बाहर आ चुके हैं। उस अगर उस उसी क्षण क्षण बात करी जाए तो उस क्षण अगर जितना एक एक मतलब एक वो है लिमिट, क्या बोल सकते हैं कि इस सेट आप मतलब इस तक आप जो है वो अपने विभवांतर जो है इस साइड वाले जो पट्टिका है, पट्टिका पर जो अपना घनात्मक आवेश है, तो घनात्मक आवेश को आप बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और खिंचते चले जाएंगे, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ऋणात्मक आवेश, वो है घनात्मक आवेश, तो उनका घनात्मक आवेश बढ़ाने से ये इसको और तेजी से खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से आएंगे। लेकिन अब आप ये बताइए, जब सारे इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे फिर तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो और घनात्मक आवेश को और बढ़ाने से पट्टिका के क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे? नहीं आएंगे, तो उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं, जो करंट है उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, क्योंकि अब अपन को इंतजार करना पड़ेगा कि और इलेक्ट्रॉन जो है और धारा आए, तो सॉरी और प्रकाश आए, और प्रकाश से और इलेक्ट्रॉन बाहर आए और फिर और साइड आए। और पट्टिका का अगर आपने इतना आवेश कर दिया घनात्मक आवेश, 2 मिनट जरा मैं क्लियर कर दूं इसको। तो जैसे मैं रात आपको कहां से इसका घनात्मक जो है वो बढ़ा दिया गया, तो और तो इसी किसी का जब सारे खिंच जाएंगे फिर क्या होगा? तो फिर जो है ये अपना बिल्कुल लाइन सीधी आ जाएगी, फिर जो है अपना विद्युत धारा बहुत बढ़ेगी तो बहुत कम बढ़ेगी, और एक टाइम के बाद बढ़ेगी ही नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन हो जाएगी, बिल्कुल एक्स एक्सिस से बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी ऐसी, और ये जो है उसके बाद बढ़ना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि अपना आप इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं खींचने के लिए। तो ये एक लाइन, और आप इसके बाद वाला इस वाले ग्राफ को स्टडी करते हैं 2 मिनट। अब इस साइड वाले ग्राफ की बात करते हैं, इस वाले ग्राफ की, तो अब देखिए जब हम अब क्या करते हैं, हम अब जो है करंट को अगर कम करना चाहें तो हम ऊर्जा को कम कर सकते हैं। तब जैसे जैसे ऊर्जा को कम करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन और धीमे धीमे आएंगे, इलेक्ट्रॉन जब धीमे धीमे आएंगे इस पट्टिका से इस पट्टिका के बीच में, तो अभी तो प्रकाश विद्युत धारा का धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि उसके बाद वो कम हो जाएगी तो जीरो कब होगी? अब देखिए ये बहुत समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि अपन ने क्या किया कि जो ये पोटेंशियल क्या बोलते हैं विभव है, जो घनात्मक विभव है पट्टिका का, उसको हम इतना अभी बढ़ा रहे हैं जब घटा रहे हैं। अब जब आप उसको घटाएंगे कि जब आप ऋणात्मक विभव को बढ़ाएंगे, और या कह सकते हैं ऋणात्मक विभव को बढ़ा मतलब ऋणात्मक विभव को बढ़ाएंगे या फिर घनात्मक विभव को कम करेंगे, जब घनात्मक विभव को कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे आएंगे, और जब आप ऋणात्मक आवेश को ऋणात्मक विभव को बढ़ा देंगे तो वो और जो है इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ ढकेलने लगेगी पट्टिका। जब वो इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ ढकेलने लगेगी तो फिर बस बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है इस पट्टिका पर पहुंच पाएंगे, जो उस जो वो ऊर्जा के बाद ऊर्जा ज्यादा होगी, जितना बल जो है वो पट्टिका लगाएगी इलेक्ट्रॉन पर, जिसके पास उस बल से ज्यादा ऊर्जा होगी केवल वो ही उस पट्टिका पर पहुंच पाएंगे। तो एक क्षण ऐसा आएगा कि हमने इतना विभव उसका जो है घनात्मक विभव इतना बढ़ा चुके होंगे कि जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इस वाली पट्टिका पर पहुंच ही नहीं पाएगा। इतना जो हमने विभव बढ़ा दिया कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं बस इस पट्टिका पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इतना विभव बढ़ा दिया। उस समय पर जब इलेक्ट्रॉन सेल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो धारा तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब धारा ऑब्वियसली मतलब धारा जीरो हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो इसको कहते हैं अपन निरोधी विभव, समझे? आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि ये जो है ये नेगेटिव में कैसे चला गया, मतलब ये घनात्मक जगह चला गया जो अपनी ये है। 2 मिनट रुकिएगा मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये देखिए ये जो है ये नेगेटिव अक्ष में चला गया, ये जो है घनात्मक अक्ष में चला गया, एक्स अक्ष के एक्स अक्ष में घनात्मक जगह चला गया। तो ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि कैसे चला गया, तो देखिए कुछ नहीं है, जब घनात्मक अक्ष का मतलब ये है कि ये जो है हम इसको नेगेटिव विभव को बढ़ा रहे हैं पट्टिका के, या कैसे भी ऋणात्मक जो है विभव को बढ़ा रहे हैं, तब ये माइनस में जा रहा है, समझ रहे हो? यहाँ से जब ऋणात्मक विभव को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ ढकेलेगा, जब पीछे की तरफ ढलेगा इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो है विद्युत धारा बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मतलब विद्युत धारा बिल्कुल बचेगी नहीं, वो जीरो हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं। इसको कहते हैं निरोधी विभव।
इसी कंडीशन को कहते हैं निरोधी विभव। चलिए अब आगे टेक्स्ट के मदद मतलब से हम इसको समझेंगे। निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए पट्टिका ए पर दिया गया निम्नतम ऋण विभव वी नॉट, जिस पर प्रकाशित धारा शून्य हो जाती है, अंतक अथवा निरोधी विभव कहलाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतक या निरोधी विभव। निरोधी विभव ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है एकदम डायरेक्ट आ जाए कि निरोधी विभव क्या किसे कहते हैं, आपको लिखना पड़ेगा कि अंतक या निरोधी विभव ये किसे कहते हैं। आपत्तिक विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति जिसके लिए पट्टिका ए पर दिया गया निम्नतम ऋण विभव वी नॉट, जिस पर प्रकाशित धारा शून्य हो जाती है, अंतक अथवा निरोधी विभव कहलाता है। प्रकाशित इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रेक्षण की व्याख्या सीधी है, धातु से उत्सर्जित सभी प्रकाशित इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले नहीं होते। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो है प्रकाशित इलेक्ट्रॉन सारे के सारे समान ऊर्जा के नहीं होते। किसी के पास ऊर्जा ज्यादा होती है, किसी के पास ऊर्जा कम होती है, किसी की ऊर्जा जो है पट्टिका से बाहर निकलते समय ही खर्च हो जाती है, तो आप बाहर आते हैं तो उनके पास ऊर्जा बचती ही नहीं है। और जो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनको बाहर निकलने के लिए ऊर्जा इतने उन्हें ऊर्जा खर्च करनी ही नहीं पड़ती, उनपे उन्हें ऊर्जा मिलती है और वो तुरंत ही बाहर आ जाते हैं, तो उन्हें ऊर्जा खर्च करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जिन्हें खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका ऊर्जा ज्यादा होती है, और जो जिन्हें जिनकी बाहर निकलने में पट्टिका से ज्यादा खर्च हो जाती है ऊर्जा, वो कम ऊर्जा वाले होते हैं। तो धातु से और से सभी प्रकाशित इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा के नहीं होते हैं। तो प्रकाशित विद्युत धारा तब शून्य होती है जब निरोधी विभव अधिकतम ऊर्जा वाले प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों जिसकी उच्चतम ऊर्जा उच्चतम गतिज ऊर्जा के है को प्रकाशित करने की अवस्था में हो। देखो जब हमें ना बताया जब सबसे ज्यादा जिसके पास ऊर्जा होगी अगर उसे रोक दिया तो मतलब सबको रोक दिया। आप एक बात बताइए, अगर मान लिया आप क्रिकेट खेलते हैं और आपके सामने एक टीम आती है जिसका एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, और वो खिलाड़ी अगर आपके दिमाग में सबसे पहला जो है वो ये आता है कि इस टीम को हराने का एकमात्र उपाय ये है कि सबसे अच्छा खिलाड़ी है, अगर इसको आउट कर दिया गया तो सबको आउट कर ही देंगे। मतलब ऐसा होता नहीं है। मेरे पास मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मतलब जिसके पास सबसे, मान लीजिए आप क्रिकेट छोड़िए, आप मल्लयुद्ध कर रहे हैं, तो अगर आपके आपके आपका जो खिलाड़ी है या आपका जो मल्लयुद्ध करने के लिए आपने जिसको खड़ा कर रखा है और एक सामने से पूरी टीम है, तो अगर उसके सबसे दमदार जो मल्लयुद्ध में आएगा सामने, अगर उसको आपके जो खिलाड़ी आपने उसको खड़ा कर रखा है उसने अगर उसको हरा दिया, उनके सबसे ताकतवर आदमी को हरा दिया, आपके आदमी ने उनके सबसे ताकतवर आदमी को हरा दिया, तो बस फिर आप समझ जाएगी जब सबसे ताकतवर को हरा दिया तो बाकी को तो हरा ही देगा। तो यही है कि यहाँ अगर इस पट्टिका ने सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो बाकी के पास तो उससे कम ऊर्जा है, तो वो जब सबसे ज्यादा वाले को ही रोक दिया तो उससे कम वाले कैसे ही आ पाएंगे। तो सबसे ज्यादा वाले अगर ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोक दिया पट्टिका ने तो उससे कम ऊर्जा वाले तो वैसे ही रुक जाएंगे, उनको आने की जरूरत क्या, उनको आ ही नहीं पाएंगे। बस यही है कि वी नॉट या जो है निरोधी विभव हमें जब भी देखने को मिलेगा जब पट्टिका जो है इतना उसका हम घनात्मक आवेश घटा देते हैं या घनात्मक आवेश बढ़ा देते हैं या फिर सॉरी घनात्मक आवेश घटा देते हैं या ऋणात्मक आवेश बढ़ा देते हैं कि जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी इस पट्टिका तक नहीं पहुंच पाता है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस प्रयोग को अपत्यित विकिरण की एक समान आवृत्ति परंतु उच्च तीव्रता I2 तथा I3 के लिए दोहरा सकते हैं। हम यह नोट करते हैं कि अब संतृप्त धाराओं के मान बढ़ जाते हैं। इस प्रकार आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए निरोधी विभव इसकी तीव्रता से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्द में प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसके कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको ये समझाना भूल गया कि I2 I3 जो है ये अलग अलग जब करंट लेते हैं, मान लीजिए हमने विद्युत धारा ली I1 अलग ली, I2 अलग ली, I3, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि ये सारी धारा एक ही वी नॉट पर कैसे आके मिल रही है, सब जीरो हो रही है, इसी पर जीरो क्यों हो, किसी पर क्यों जीरो हो रही है। और ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो है आके यहाँ जीरो और ये वाली हो सकता है यहाँ जीरो, सारी की सारी यही क्यों हुई, ये प्रश्न आता होगा आपके दिमाग में। तो देखिए आप खुद बताइए कि मान लीजिए आप में इसको ज्यादा ऊर्जा देते हैं, पट्टिका में जो है ज्यादा ऊर्जा वाली प्रकाश आता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इस साइड आते हैं। अगर एक बार बताइए अगर धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक विभव अगर हम इस पट्टिका का घटा बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ ढकेलेगा, तो इलेक्ट्रॉन की तेज भागने से फर्क क्या पड़ेगा, उसमें उतनी ऊर्जा है ही नहीं कि उस बल को वो झेल पाए, तो वो आ ही नहीं पाएगा उस साइड, वो उस बल को ही नहीं झेल पाएगा, तो उसके तेज चलने से फर्क क्या पड़ेगा।
वो उसमें ऊर्जा आई, वो उतनी ऊर्जा है ही नहीं कि वो उस बल को जो है झेल पाए और उस साइड आ जाए। तो उस बल से जाना, जब उसकी ऊर्जा है ही नहीं तो वो आएगा कैसे? जब वो जितनी चाहे तेज भाग ले, जितनी चाहे तेज भाग ले, फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो जब जैसे मैंने बोल दिया कि इतना इतने बल के बाद कोई इलेक्ट्रॉन जो है साइड नहीं पहुंचेगा, चाहे वो इतनी तेज स्पीड से आए या इतने मतलब कितनी भी तीव्रता से साइड आ जाए, कोई धीमे आ रहा हो, कोई तेज आ रहा हो, कोई तीव्रता से आ रहा हो, कोई कुछ भी हो जाए, इस पट्टिका के विभव से ज्यादा जो है, अगर ये पट्टिका का विभव का जो बल लग रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन पर, अगर उस बल को जो है तो बल से ज्यादा ऊर्जा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक के पास, तो चाहे तेज आए चाहे धीमे आए फर्क नहीं पड़ता है, वो आ ही नहीं पाएंगे। तो सब आके मिलेंगे उसी वी नॉट पर। क्यों? क्योंकि उस वी नॉट पर ही तीनों के तीनों जो है उसके बाद नहीं हो पा रहे हैं, तीनों उसी वी नॉट पर रुक रहे हैं। आप जितनी चाहे तेज इलेक्ट्रॉन भेज लो, जो तीव्रता सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर वो रुक गया, आप चाहे वो धीरे आए चाहे तेज आए फर्क नहीं पड़ेगा, रुकेगा वो तो जरूर ही। इसलिए तीनों अगर बन बढ़ाने घटाने से कुछ नहीं होता, तीव्रता आएंगे वो उसी वी नॉट पर। समझे? आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, तेज भागने से कुछ नहीं होता, जब आपके पास बल को उनके पराक्रम को झेलने का साहस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने निरोधी वेव के बारे में पढ़ा और प्रकाश विद्युत धारा पर वेव का प्रभाव का चित्र देखा और उसके बारे में समचित्र को समझा और अच्छे से पढ़ा। और कलम क्या पढ़ेंगे? तो कलम पढ़ेंगे निरोधी वेव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आप इतनी एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा और पिछले सब कुछ पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करके आइएगा। आगे जब आप एनसीईआरटी रिवाइज करते चलेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी रिवाइज करके ही चलिए, और मेरे साथ पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है आपसे क्वेश्चन बनेंगे और आप सारे क्वेश्चन बना के आओगे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। तो मेरे साथ पढ़िए, बने रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।